मूलभूत सोई सुविधा विकास योजना अंतर्गत प्रभाग 14 क में रस्ते मंजूर हुए हैं। इसमें सोशल हाई स्कूल के कॉर्नर से सोशल कॉलेज के सामने से सैफी हॉस्पिटल उस्ताद घर के सामान से आरिफ दूध डेयरी तक 20 लाख का रस्ते का काम, मरकज मस्जिद से यशोधरा हॉस्पिटल के सामने से शिफा क्लिनिक तक 15 लाख का रस्ते का काम, किड़वाई चौक से आरिफ उल्ला दरगाह के सामने से बेगमपेट मुस्लिम चौकी तक 15 लाख का रस्ते का काम, तेलंगी पाच्छापेट से सागर गणपति फरसीकरण का काम, इन चारों कामों में 7 लाख के काम की मंजूरी हुई है। एक हफ्ता में इन चारों काम शुरू होगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल को माजी नगर सेवक हाजी तौफीक हत्तुरे और स्थानीय नागरिकों ने रस्ते के ताल्लुक से क्या कहा, देखिए। इसका जायजा लिया है हमारे रिपोर्टर गफूर सौदागर इन्होंने। प्रभाग 14 की ये एक बहुत अच्छी खबर है कि आज माननीय सोलापुर महानगर पालिका आयुक्त साहब और अधिकारी ने जो मूलभूत सेवा विकास योजना अंतर्गत जो तकरीबन जो 39 काम शहर के मंजूर हो गए, उसमें से जो है हमारे प्रभाग 14 के 4 काम मंजूर हो गए, जिसमें जो है सबसे पहले किड़वाई चौक बेगमपेट पुलिस चौकी परिसर और दूसरा मरकज मस्जिद से लेकर शिफा मेडिकल हॉस्पिटल तक और तीसरा जो है सुल्तान कैंटीन से आरिफ डूडेरी जो सोशल कॉलेज का जो रास्ता है, ये 14 काम मंजूर है। और एक जो है तेलंगी पाच्छापेट सागर गणपति यहाँ का फर्शीकरण का भी इसमें काम जो है मंजूरी दी गई है। तकरीबन ये 4 काम जो है 60 लाख रुपए के 4 काम हैं। एक काम 20 लाख का है, दो काम 15-15 लाख के और एक काम 10 लाख का, ऐसा जो है ये कॉरपोरेशन की तरफ से प्रभाग 14 में जो हमने लेटर दिए थे जो काम के लिए, तो आज वो उसकी मंजूरी कॉरपोरेशन की तरफ से आयुक्त साहब की तरफ से आई। मैं कॉरपोरेशन के आयुक्त साहब का पूरे प्रभाग 14 की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस ये काम जल्द से जल्द चालू होगा और बहुत जल्दी ये काम का जो है फ़ायदा लोगों को होगा, क्योंकि खास करके जो है सोशल कॉलेज के बाजू में जो कुछ महीने पहले कॉन्क्रीट किया गया था, वो वजह से पूरा सोशल कॉलेज का जो सिद्धेश्वर मिनी शॉपिंग सेंटर है, तो वहाँ पर जो है इतना पानी ठहरा था कि वहाँ से कॉलेज को जाने वाले और हाईस्कूल को जाने वाले बच्चों को बहुत तकलीफ थी और आने जाने वाले लोगों को भी बहुत तकलीफ थी। तो इसके वजह से हमारे पास पूरे वहाँ के लोग आए थे और हम सब मिलकर जो आयुक्त को आयुक्त साहब को मिलकर हमने लेटर भी दिया था। आज वो काम होने जा रहा है। बस 14 का जो भी आने वाले जो भी काम है ये पूरे हो और हमारे ग्रेड में जो भी काम थे, हम जितना हो सके हमारे शहर मध्य के कार्य सम्राट आमदार प्रणीतिताई शिंदे इनके निधि में से बहुत से काम हम कर चुके हैं और कुछ काम रह भी होंगे तो इंशाल्लाह वो भी काम करने की और हम कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत गलतियां भी होती है और गलती काम करने वाले के हाथ से गलती होती है और जो काम नहीं करते उनके हाथ से कोई गलती नहीं होती। तो थोड़ा बहुत लेट हो गया और मुझे बहुत कम टाइम मिला, तकरीबन 3 साल का सिर्फ मुझे टाइम मिला है, बाकी के लोग पूरे 5-5 साल उनको टाइम मिला है। तो मैं समझता जो भी काम प्रभाग 14 के जो रह गए होंगे, जो लोगों को बहुत सी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा, तो इंशाल्लाह लोगों से यही मेरी गुजारिश है आने वाले इलेक्शन में फिर से अगर लोग मुझे अगर अपना प्रभाग 14 के विकास के लिए अगर अच्छा काम करने के लिए मुझे लोग अगर चुनते होंगे, फिर से मैं सेवा के लिए लोगों के आऊँगा और इंशाल्लाह जो है जो भी काम बाकी है ये पूरे काम हम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रभाग 14 और नवीन 20 के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के हमारे व्यापारी लोग जो कई दिनों से तकलीफ़ का सामना कर रहे थे, यहाँ के बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी आने जाने के लिए,
बारिश आया तो बच्चों को घर को जाने के लिए जरा भी रास्ता नहीं रहता था। फिर एक इत्तेफाक ऐसा हो गया कि यहाँ की रोड बनने के बाद हमारे कुछ व्यापारी लोग हमको फ़ोन कर कर बुलाए कि ऐसा ऐसा कि साहब क्या तो क्या रास्ता काटो, इधर का तो रहा रास्ता बनाओ। तो हम हमारे कार्य सम्राट आमदार परनीत भाई शिंदे साहब को बोले कि ऐसा ऐसा ये मैडम ये रास्ता बहुत ज़रूरी है आप लोगों। तो उन्होंने क्या बोले कि हाजी साहब आपका पत्र दो, देने के बाद अपन ये मंजूर कर कर लेंगे। तो तौफीक अख्तर साहब ने पीछे लग कर ये काम को मंजूर किया है। ये काम और बेगम किरवाई चौक के बेगमपेड़ पुलिस चौकी मरकज से शिपा मेडिकल वहाँ तक के तीन रास्ते मंजूर हो गए हैं। हाजी साहब के घर पास का बेगमपेड़ पुलिस चौकी पास का बोले तो बेगमपेड़ पुलिस चौकी से किरवाई चौक ये रास्ता जो मार्ग है हमारे सिद्धेश्वर महाराज का रास्ता जाने का रास्ता है। वहाँ से सिद्धेश्वर महाराज को जाते हैं वो रास्ते जो खड्डे बहुत रहने की वजह से वो एक रास्ता मंजूर हो गया है। और ये सोमवार के दिन हमारे केसकर साहब कुछ अधिकारी लोग आकर सुबह में विजिट करने वाले, सोमवार या मंगल के दिन उसके बाद ये काम चल हो जाएंगे। कितने रोड मंजूर है टोटल? तीन रोड मंजूर है ले काका के सोशल स्कूल के पास का और किड़वाई चौक से बेगमपेड़ पुलिस चौकी मरकज मस्जिद से शिपा मेडिकल यशोधरा के सामने की लाइन। अरे रोड बनना है क्या, खाली विश्वास दे रहे तुम लोग? रोड बनेंगे इंशाल्लाह, रोड बनेंगी 100% रोड बनेंगी। क्यों बोले तो इसका पत्र देने के बाद ये मंजूर होने के बाद एक लेटर आया हमारे पास कि परवा किड़वाई चौक से सोशल कॉलेज 20 लाख रुपये का रोड मंजूर है। फिर उसके बाद किड़वाई चौक पर डामरीकरण करने ये मरकज सोशल के हरिपुर डेयरी और दूसरा बोले तो तीन रास्ते मंजूर है ले बेगम किड़वाई चौक से बेगमपेड़ पुलिस चौकी। आशा के जाते थे लोगों को बहुत तकलीफ होती थी और यहाँ पानी देखकर लोग बहुत बड़ा खतरा समझ के रुक जाते थे। इसके लिए जो है ना यहाँ पर महानगरपालिका की तरफ से काम हो रहा है और हाजी तौफीक भाई अख्तर की तरफ से काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका और महानगरपालिका का बहुत बहुत शुक्रिया। बीच यहाँ पे सोशल स्कूल के बाजू में कॉन्क्रीट रास्ता होने के बाद ये जो पानी दिख रहा है यहाँ पे स्कूल के बच्चों को बूढ़ों को आने जाने में तकलीफ होती थी, छोटे मोटे अपघात होते थे। फिर हमने इसका महापालिका में तकरार दिया था तो ये काम को हमारे नगर सेवक हाजी तौफीक भाई हत्तुरे इनके कोशिश से ये काम को मंजूरी मिली है। बारिश ज़्यादा हुई तो पानी ये दुकानों में आता था तो ये काम को मंजूरी मिली। यहाँ से लेकर सोशल कॉलेज के कंपाउंड तक ये काम को मंजूरी हुई। ये काम हमारे नगर सेवक तौफीक भाई हत्तुरे इनके कोशिश से कामयाब हुआ, इसीलिए उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। लोगों को आने जाने में तकलीफ बहुत होती थी, ये काम मंजूर हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। क्या काम मंजूर हुआ सर? रोड का पानी से तकलीफ होती थी, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती थी। तौफीक हत्तुरे साहब की कोशिश की वजह से काम हो गया है। महानगर पालिका का भी और तौफीक भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं।